बोले क्यों, इन्होंने इसने तो पाप किया इसलिए पाप का फल तो नरक भोग इसके लिए। बोले पाप का प्रायश्चित तो कर लिया। बोले हमको तो पता नहीं, तो बताए जो नारायण नाम जो उच्चारण किया इससे पाप का प्रायश्चित कैसा हुआ, पूर्वकृत प्रायश्चित। आप लोग जो जिस पाप के लिए उनको लेने के लिए आया था इस जन्म के पाप, लेकिन इन्होंने जो प्रायश्चित कर लिया अगले का जन्म का, वर्तमान जन्म का, भविष्य जन्म का सब प्रायश्चित कर लिया। मतलब नवाभास से मुक्ति मिलता और आत्यंतिक दुख आत्यंतिक पाप से जीव का मुक्ति मिल जाता और कली का प्रभाव संपूर्ण विनष्ट हो जाता। जो नामाभास तक उच्चारण कर सकता उसके पास कली आ ही नहीं सकता। और नामाभास से नर है सुपंक्ति पावन, नामाभास से सर्व रोग है निवारण। पंक्ति पावन अर्थात ब्राह्मण श्रेष्ठ, पंक्ति पावन होने के लिए मनुष्य ब्रह्मज्ञ होना, ब्राह्मण श्रेष्ठ होना और समस्त यज्ञ यज्ञ और समस्त पुण्यकर्म किया सो व्यक्ति पंक्ति पावन होता। बोले नामाभास जिसने प्राप्त कर लिया उस पंक्ति पावन बन जाता, मतलब उसका जैसे उत्तम नर नहीं हो सकता। और नामाभास से सर्व रोग है निवारण, रोग का मूल भव रोग पर्यंत नामाभास से चल जाए, दुनिया का रोग सिर्फ सकल आशंका नामाभास से दूर है। नामाभास ही सर्व अरिष्ट है ते शांति पाए, समस्त आशंका समस्त जो पतन का भय सब प्रकार का जो व्यतिरिक्त आशंका के नाम पर सब कुछ दूर चल जाता और किसी प्रकार का डाउट नहीं रहता, किसी प्रकार का शंका नहीं रहता पतन का भय का किस। और नामाभास सर्वारिष्ट है तो शांति पाए, समस्त अरिष्ट दुख और अनिष्ट विपत्तियां सबसे मुक्त हो जाता। तो सारा दुनिया में ऐसा फल देने वाला कोई चीज है ही नहीं। और कहते यक्ष रक्ष भूत प्रेत ग्रह समुदय नामाभास सकल अनर्थ दूर जाए। तो यक्षों से राक्षसों से भूत प्रेतों से और ग्रह समुदायों से जो कुछ विपत्तियां हो सकती मनुष्य के लिए नामाभास प्राप्त करने से कुछ भी नहीं रस, जैसा अंधेरा सूरज के उदय में ये अरुणोदय अरुणोदय में जैसा दूर होता वैसा सब प्रकार के अनिष्ट अरिष्ट और विपत्तियां दूर चल जाते। नर के पतित लोक सुखे मुक्ति पाए, समस्त प्रारब्ध कर्म नामाभास जाए। नरक प्राप्त, नरक के जाने नरक में जाने के लिए जिन्होंने पाप कर्म किया वहां तक जो लोग उतना पतित अवस्था से भी लोग सहज से मुक्त हो जाते हैं और सब प्रकार के प्रारब्ध कर्म नामाभास में चले जाते हैं। ज्ञान मार्ग से जो जाने वाले संचित और आगामी प्रारब्ध नहीं जाता, लेकिन नामाभास काफी है समस्त प्रारब्ध कर्म को दूर करने के लिए। सर्व वेदादिक सर्व तीर्थ इतने बड़ो नामाभास सर्व शुभ कर्म श्रेष्ठतर, समस्त वेदों से वैदिक हरिनाम वेदों से अधिक सिर्फ नहीं, नामाभास ही वेदों से अधिक। तो हरिनाम जो है वेदों का मूल है, वेदों का मूल हरिनाम का जो कांति, वेदों का मूल है प्रणव, प्रणव है शब्द ब्रह्म, भगवान पर ब्रह्म, ब्रह्म का एक झलक है शब्द ब्रह्म, ये शब्द ब्रह्म है वेदों का मूल। तो यहाँ पर भगवान के नाम ही सिर्फ वेदों का मूल नहीं है, भगवान के नाम का आभास भी वेदों के अधिक है। और सर्व तीर्थ है बड़ो, समस्त तीर्थ यात्रा करने से भी ज्यादा महिमा है नामाभास का। तीर्थ यात्रा करने के लिए कितना तीर्थ है, कहाँ जाएंगे, बैठकर हरिनाम का नामाभास अगर मिल जाए तो समस्त तीर्थों का फल तो तुरंत मिल जाता है। नामाभास सर्व शुभ कर्म श्रेष्ठतर, समस्त शुभ कर्मों में नामाभास श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम है हरिनाम शुद्ध नाम। और नामाभास का और एक विशेष फल है वैकुंठादि प्रापकत्व, नामाभास से जीव मुक्त होकर वैकुंठ स्थिति तक चल जाता, लेकिन भगवान का सेवा मिलने के लिए शुद्ध नाम का जरूर है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग दाता सर्वशक्ति धरे नामाभास जीवत्राता जगत आनंद कर श्रेष्ठ फल पद अगत्यर एक गति सर्वश्रेष्ठ पद वैकुंठादि लोक प्राप्ति नामाभास है विशेषत कलित सर्वशास्त्र को।
तो चार प्रकार के फल जिसको कहा जाता पुरुषार्थ, पुरुषार्थ चार प्रकार का चतुर्थ पुरुषार्थ, ये है हमारा षड़ दर्शनों का सार है। षड़ दर्शन कहते हैं चार प्रकार का पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन भक्ति मार्ग में चारों का ही भी कोई महिमा नहीं है। ये चारों प्रकार का पुरुषार्थ नामाभास से मिल जाता, अर्थ नामापराध से मिलता। अगर कोई अच्छा गान करना जानता, नामाभास नामापराध करते रहता, उसको सिद्धि मिलता, प्रसिद्धि मिलता, धन मिलता, सब कुछ मिलता। और धर्म अर्थ काम मिलता, लेकिन धर्म और मोक्ष नहीं मिलता। नामाभास से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिल जाते। सर्वशक्ति धरे नामाभास जीवित रहता। जीव का उद्धार करने के लिए जितना शक्ति जरूर है नामाभास में सब कुछ है। केवल निर्मल भगवत प्रेम नहीं देता, उतना ही। जगत आनंद कर श्रेष्ठ फलप्रद अगतिर एक गति सर्वश्रेष्ठ पद। समस्त जगत को आनंद देने की शक्ति है नामाभास को, और वैकुंठ तक जीव को लेने का शक्ति है। कलयुग में नामाभास ही काफी है जीव को वैकुंठ तक लेने के लिए। लेकिन भगवान का सेवा, निर्मल सेवा प्राप्त करने के लिए प्रेम को जरूर है। वहां तक ले जाता, लेकिन स्थायी करने के लिए अशुद्ध नाम जरूर है। इस नामाभास का जब चार प्रकार का है, कौन सा? चतुर्विध नामाभास ये मात्र जाने संकेत व परिहास तो हेला वाणी। हेला अवहेला स्तोभ, स्तोभ का एक अर्थ है हेला से थोड़ा कम अपराधजनक। स्तोभ का पंडित समुदाय में कुछ विभिन्न विचार भी है। स्तोभ में कभी कहा जाता कि कवित्व पूर्ण करने के लिए कोई पंक्ति में कुछ नाम का आश्रय लिया जाता, वहां पर भगवान का नाम आ जाए तो स्तोभ कहा जाता। नहीं तो स्तोभ का एक अर्थ है अवहेला नहीं है, भगवान को थोड़ा ताच्छिल्य के साथ भगवान के नाम बुलाना। मतलब उदाहरण दिया जाता शिशुपाल ने, शिशुपाल ने कहा ये गोप का पूजा क्यों किया जाता? उसने क्या किया, एक औरत को मारा और एक गाड़ी को पलटाया। बोले भगवान ने शकटासुर भंजन किया, बोले गाड़ी को पलटा दिया। और उसने एक औरत को मारा, बोले क्यों, पुतना को मारा। तो वहां पर मिथ्या नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ताच्छिल्य का भाव है, उसका नाम स्तोभ। और हेला जो है परिहास, उसको कहा जाता जरासन ने कहा था अरे कृष्ण या क्या जानता तुम, ये तो मेरा और काल जीवन के डर से तो समुद्र के अंदर घुसा था, इससे मैं युद्ध नहीं करूंगा। वहां पर परिहास, स्तोभ जहाँ पर है उतना परिहास नहीं है, लेकिन एक इनडायरेक्टली ताच्छिल्य का भाव है। और एक परिहास, परिहास साधारण परिहास में हास्य के झलक से भगवान का नाम लेना, लेकिन कोई अपराध नहीं रहता। और एक संकेत इंडिकेशन, संकेत नामाभास हुआ था अजय मिल का, वहां पर स्तोभ परिहास और हेला नहीं है। तो उसका निदर्शन देने दे रहे हैं कैसा, विष्णु लक्ष्य करे जड़ बुद्धि नाम लाए, अन्य लक्ष्य करे विष्णु नाम उच्चाराय। तो विष्णु का लक्ष्य करके जड़ बुद्धि से नाम लेते, विष्णु का ही उद्देश्य करते, लेकिन जड़ बुद्धि मतलब वहां जहां पर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन नहीं है वहां पर विष्णु का नाम लेना, वो अगर अपराध न रहे तो नाम आवास होता। और दूसरा वस्तुओं का लक्ष्य करते हुए विष्णु का नाम उच्चारण करता, दूसरा वस्तु का लक्ष्य करते हुए विष्णु का नाम लिया था अजामन ने, अपना बेटा का